मदर प्रेजेंट इज 6 टाइम्स सुबो प्रेजेंट इज। सुबो की जो माँ की एज है वो सुबो से 6 गुनी ज्यादा है, यानी बड़ी है। सुबो इज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। सुबो की 5 साल बाद उनकी एज उसकी माँ से 1/3 हो जाएंगे। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? तो प्रेजेंट एज दोनों का क्या होगा? और आसान करते हैं, देखिए सुबो की जो मदर है वो सुबो से 6 गुनी बड़ी है, ठीक है। 5 साल के बाद में जो सुबो की एज होगी वो उनकी माँ की 1/3 हो जाएंगी। तो दोनों का हमें प्रेजेंट एज निकालना है। आसान सवाल है, हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को पकड़ना है कि क्या हम कंसिडर करें, ठीक है, और कैसे हमें सॉल्व करना है। ये इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्या हमने कहा कि आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करना है। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आ रहा है, ठीक है, तो आप पहले प्रेजेंट एज मान लें, ठीक है। तो दो टर्म है, क्या सुबोज है और एक उसकी माँ है, ठीक है। अगर दोनों मान लिया जाए तो काम हो जाएगा। चलिए आइए देखिए सॉल्यूशन। लेट दी प्रेजेंट इज ऑफ सुबो बी एक्स ईयर एंड मदर इज बी 6 टाइम्स है ना, तो 6 टाइम्स x ईयर, ठीक है, 6x ईयर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार से आपको चलना है। क्या कह रहा है? 5 साल बाद, ठीक है, तो 5 साल बाद हमने क्या बताया, अगर नाउ है तो आपको क्या करना है, ऐड करना सबसे पहले, ठीक है, डॉटर और मदर को दोनों को इक्वल में रखो, ठीक है। तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो बोज इज इक्वल टू सुबोज मदर है, मदर, ठीक, दोनों को बराबर कर दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो इसका प्रेजेंट एज हमने माना है एक्स, कह रहा है क्या 5 साल बाद, तो एक्स प्लस 5 हमने कर दिया, ठीक है। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो। सुबो इज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3। अच्छा सुबो बोला है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सुबो को मदर देखो जरा यार कितना है, 6x। 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, माँ के प्रेजेंट की एज कितने हो जाएंगे, 1/3, तो 1/3 कर दिया। बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, अगर कैंसिल करें तो 3 1 3, 3 2 6, तो कितना जाएगा 2x, ठीक है। 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ और 5 को राइट हैंड साइड पे लेके जाओ। तो x माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस, तो माइनस 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5, कैंसल आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 ईयर। यहां से किसका एज आपको पता चल गया, तो सुबो का पता चल गया, ठीक है। उसकी माँ का पता कर लेते हैं कितनी उनकी एज रही है, ठीक है, उसको पता करते हैं। तो सबू मदर इज है ना, प्रेजेंट लिख सकते हो, इज इक्वल टू 6x। 5 साल की थी ये, तो माँ कितने की होगी, 30 साल की होगी, है ना। 6 इंटू 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा, 30 ईयर्स, ठीक है। जब सुबो 5 साल की थी तो उसकी जो माँ थी वो 30 साल की थी, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए
सही है। तो एज के क्वेश्चन में क्या करना, आपको डेटा को जो है पढ़ना है और एनालिसिस करना है कि अपने को क्या कंसिडरेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फोर, ठीक है। क्वेश्चन फोर में हमसे कह रहा है कि अ मैन एज इज थ्री टाइम्स हिज सन एज, ठीक है। एक आदमी का उसके बेटे से चार गुनी एज है। 10 years ago, 10 साल पहले ही वॉज 5 times हिज सन एज। 10 साल पहले वो अपने बेटे से 5 गुनी एज का था, ठीक है। अब बड़ा ही यहां कंसीडर करोगे, छोटा नहीं करोगे, छोटा थोड़ी होगा, बाप कैसे छोटा हो जाएगा आप बेटे से, यार अजीब बातें कर रहे हो, ठीक है। तो 10 साल पहले जो उनके फादर का एज था, या फादर कहो या मैन को, मैन का जो एज था वो 5 गुनी ज्यादा थे किससे, उसके बेटे से। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों का हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। फिर से समझाता हूं और आसान करता हूं, इजी करने की कोशिश करता हूं। देखो एक आदमी का उसके बेटे से जो एज था वो 3 गुनी था, ठीक है, 3 गुनी है। 10 साल पहले जो मैन का एज था बेटे से वो 5 times ज्यादा था, ठीक है। तो हमें दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है। क्या करोगे, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 को सॉल्व किए बिल्कुल वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो चाहे माँ और बेटी का रिलेशन रहे, या माँ और बेटे का रिलेशन रहे, या पति और पत्नी का रिलेशन रहे, या तो बेटी और माँ का रिलेशन रहे, या बेटे और माँ का रिलेशन रहे, इसमें एज का डिफरेंसेस तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आपको जो है ना माइंड को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और बेटा का जो एज है उसको मान लेते हैं, बाप का, बाप तो है नहीं, मैन है, ठीक है, आदमी है, उसको मान लेते हैं। तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर। हमने मान लिया कि जो सन का एज है वो कितना है, एक्स ईयर है, ठीक है। एंड मैन इज बी कितना भैया, 3 times है तो 3x ईयर, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से चलते हैं जो हमसे कह रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा करो, ठीक है, ऐसे ही कंपटीशन के हिसाब से करना है तो आप तेजी से सॉल्व करेंगे। देखो हमें तो समझाना ही पड़ेगा ना, क्या कहां से आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या कह रहा है। 10 years ago, 10 साल पहले की बात हो रहा, तो एक्स माइनस 10, ठीक है, इज इक्वल टू। अब क्या करोगे, सन और मैन इन दोनों को बराबर करोगे, ठीक है। तो मैंने देखो ये सन को कर दिया, मैन को मैं बराबर कर रहा हूं, ठीक है, 3x 10 years ago, ठीक है, कर दिया। अब आगे में चलते हैं, ही वॉज 5 times हिज सन एज, 5 गुना वो बड़ा था अपने बेटे से। अब यहां पे कंफ्यूजन आ जाता है, क्या कंफ्यूजन आता है, जो मोस्टली ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं वो क्या गलतियां करते हैं, गलतियां ये करते हैं, देखो बाप जो है बेटे से 5 गुनी बड़ा है, ठीक है, बेटा नहीं है, समझो बात को। तो अगर आपने 5 गुनी ये क्या लिखा, ये फादर है, मैं लिख दे रहा हूं, वहां मैन लिखा लेकिन फादर लिखता हूं, ठीक है, ये फादर है और ये आपका सन है, ठीक है, मैं यहां सन लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने इसके फादर को 5 times कर दिया तो पता है क्या होगा, ये आपका 25 times जो है उसका एज बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो 5 तो पहले से था, 5 फिल कर दिए, ठीक है। तो अगर फादर का एज बोला गया कि 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, ठीक है, बेटे से बड़ा है या बेटी से बड़ी है या वाइफ से बड़ी या वाइफ से वो बड़ा है, तो क्या करना है कि जो
फादर हो, हस्बैंड हो, उसको ना मल्टीप्लाई करके, जैसे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन रहा ठीक है कि 5 साल दो गुनी 2 साल बड़ी है ठीक है, तो आप उसके वाइफ को मल्टीप्लाई करोगे ना कि उसके हस्बैंड को। देखो मैं क्वेश्चन में ज्यादा घुमा दिया, आसान बात बताता हूं। अगर कभी भी जो है ना ऐसा कहा जाए कि बाप जो है बेटे से 4 गुनी बड़ा है ठीक है, 4 गुना बड़ा है ठीक है, ऐसा समझो, तो बाप को मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसको करना है, बेटे को करना है। अगर बाप को मल्टीप्लाई करने के बजाय अगर आप करना चाहते हो तो उसको डिवाइड करोगे ठीक है, उसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उसको डिवाइड करोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी रिलेशन एज वाला आ जाता कि ये इससे 2 गुनी 3 गुनी बड़ा है, तो अभी यहां जो मल्टीप्लाई करना है वो आपको बेटे को करना है ठीक है, सिंपल सी बात है। किसको करोगे, बेटे को करोगे। अगर बाप को करना ही है तो डिवाइड करोगे ना कि मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 5x-50 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x-10। अरे बताओ कंफ्यूजन है तो अभी और क्लियर कर दूंगा ठीक है। सुनो देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स इज सन एज ठीक है, 10 साल पहले वो बेटे के आयु से कितने थे, 5 गुनी बड़ी थे ठीक है, 5 साल बड़े थे वो। तो 5 साल जो है ना अगर आप इसके फादर को मल्टीप्लाई कर देते हो ना ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर करना ही है आपको तो डिवाइड कर देना यार 5 से ठीक है, जब डिवाइड करोगे देखो क्रॉस करोगे तो ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो वो ना करते हुए आपको क्या करना है, बेटे को करना है ठीक है। और अगर बेटी का रिलेशन माँ से रहा तो भी बेटी को करोगे, माँ को नहीं करोगे ठीक है। और अगर मान लो कि किसी का दादा का और ग्रैंड डॉटर का रहा तो भी आप उसके ग्रैंड डॉटर को करोगे, ग्रैंड फादर को ना करोगे। अब क्या करना है, 5x+3 है -3x हो जाएगा इज इक्वल टू -10, और ये +50 है राइट पे शिफ्ट करोगे, सॉरी -50 है राइट पे शिफ्ट करोगे तो +50 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू, अरे 50 में 10 जाएगा 40 तो बचेगा ना, 40, और x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसल आउट करोगे तो 20, कितना आ गया, 20 साल का था बेटा ठीक है, बेटे कितने साल का था, 20 साल का ठीक है। अब आदमी को उम्र पता कर लेते भाई कितने का था, तो यहीं से हम देख के बता सकते हैं कि वो 60 साल का था। जब बेटा 20 साल का था तो बाप कितने का था, 60 साल का था ठीक है। आगे में निकालते हैं, therefore the present age of the present age of man कह लो, father कह लो ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 times of x, जैसे आप वैल्यू रखोगे तो 3 multiply 20 which is equal to 60 year ठीक है। बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर से समझा दूंगा, कोई सी बात नहीं है, अपने को समझाने से मतलब है, समझाना ही है, जब तक समझ में नहीं आएगा क्या फायदा यार। ऐसे ही हम एक लेक्चर और कवर करेंगे, शायद इस तरह का क्वेश्चन मिले या ना मिले, शायद होगा वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन होगा ठीक है, और हो सकता है कि बेटे या बेटी का हो, तीनों रिलेशन एक ही में हम कवर करेंगे, इसलिए आराम आराम से हम कवर कर रहे हैं ठीक है। जितना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उतना हम कवर करेंगे ठीक है, बाकी बात में लेक्चर तो कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यू। तो बताओ कोई कंफ्यूजन है, अगर कंफ्यूजन नहीं तो कॉपी किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।